रहीम, ये देखिए हमारा कोलकाता, और ये हम लोग कोलकाता के फ्लाई ओवर ब्रिज पर हैं। हम लोगों ने कल आउटिंग करी, लॉन्ग ड्राइव गए, मार ब्रिज देखा पूरा, बहुत अच्छा लगा। कितनी पार जा चुके हैं पर यहाँ से दिल्ली बनता है, और यहाँ का लोकेशन इतना अच्छा होता है, इतना मस्त होता है कि इतनी हवा चलती है, और बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों के साथ यहाँ पर आउटिंग करना। तो ये हम लोग गए थे कल इन्जॉय करने के लिए, तो सोचा कुछ क्लिप्स ले लूँ और आप सभी के साथ शेयर करूँ। जो कोलकाता वाले उन्हें भी अच्छा लगेगा और चेन्नई वाले उन्हें भी देखना चाहिए। यहाँ पर ये हमारे कोलकाता का फ्लाई ओवर मार ब्रिज है, तो आप ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में डाल देना कौन कौन कोलकाता से ये देख रहा है और कौन कौन नहीं है कोलकाता का, तो पसंद आया तो सब ज़रूर शेयर, कॉमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल पर। ये कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ताला आप लोग सब बहुत अच्छे से और बहुत मज़े में होंगे, और माशाल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी और बहुत मज़े में हूँ। और बताएं क्या चल रहा है आप सभी की लाइफ में? माशाल्लाह से मैंने कल बहुत इंजॉय किया। मैं कल गई घूमने के लिए, बाहर आउटिंग के लिए, काफ़ी टाइम से नहीं गई थी, मुझे कम से कम 4 से 5 मंथ हो गए थे नहीं बाहर निकलते हुए। तो मैंने जो क्लिप वहाँ शूट करी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने आज अपना ज्वेलरी हॉल रखा है, ये ज्वेलरी हॉल पार्ट 1 है, तो मैं सब आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या ऑर्नमेंट्स हैं, क्या क्या ज्वेलरी हैं, एंटेक पीस, और बहुत ही अच्छी अच्छी है, हर तरह की वैरायटी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आगे भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो वेलकम टू माय आरएफ बरकतपुर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्वेलरी हॉल। तो वेलकम टू आरएफ बरकत वर्ल्ड अगेन माय लवली एंड माय स्वीट व्यूअर्स। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास किस किन तरह की ज्वेलरी, सॉरी किस किस तरह की मेरे पास ज्वेलरी है, कौन कौन से कलेक्शन है। तो मैंने सोचा जो भी मेरे पास है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कल रात तो मैं आउटिंग पे गई थी, खूब इन्जॉय करा अपनी फैमिली के साथ, और उसके बाद सुबह मैंने सोचा मैं क्या करूँ कुछ इंटरेस्टिंग सा आरएफ बरकत वर्ल्ड में डालूं। तो फिर मेरे जहन में आया, मेरे दिमाग में आया आइडिया, तो चलो अपना ज्वेलरी कलेक्शन ही मैं शेयर करती हूँ। माशाल्लाह मेरे पास ज्वेलरी बहुत ज़्यादा है, और आगे पार्ट 2 और इंशाल्लाह पार्ट 3 भी आएगा। स्टड के अलग कलेक्शन है, इयर रिंग्स अलग है, एंटिक पीस अलग है, सेट अलग है, रिंग्स जो हैं फिंगर रिंग्स वो भी माशाल्लाह बहुत सारी हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये है पहले एक सेट में ये दिखा देती हूँ आपको जो मैंने कलेक्शन करके रखा है। तो ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ये कितना प्यारा सा है इयर रिंग्स है, झुमकी वाला है। अगर आप चाहें तो ये इस तरह से भी पहन सकते हैं, सिर्फ इसको यहाँ से ये हटाना होगा। इस तरह से मेरा बन जाएगा इयर रिंग्स, और इस तरह से ये मेरा झुमकी कलेक्शन है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, स्टोन वर्क है पूरा, देख रहे हैं आप सब लोग, स्टोन वर्क है। और मैं इसके डिब्बे भी दिखाऊंगी मैं किस तरह से इसे पैक करके रखती हूँ कॉटन में और विद टिश्यू पेपर अच्छे से, ताकि इसकी ये पॉलिश वगैरह नहीं जाए। तो एक तो ये हो गया, और ये हैं एक ये बाली है, ये देखिए ये एक बाली है, ये जो है ना ये देखिए ये इस तरह से है, ये भी बहुत प्यारी लगती है पटियाला सलवार सूट पर, या फिर जो है शलवार कमीज पे ही ज़्यादातर मैं पहनती हूँ, मैं तो वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती हूँ, तो उस पर ही सब मैं मैचिंग करके पहनती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है ये सारी इयर रिंग्स। तो इसका जो है मैट गोल्ड पर है, ये देखिए ये मैट गोल्ड पर है, ये मरून कलर के इसमें ये लगे हुए हैं मोती, तो माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारी सी है। ये मेरा हो गया दूसरा सेट, ओके। और अब आ जाती हूँ नेक्स्ट में, ये देखिए ये है येलो कलर की झुमकी, टेसल विद टेसल,
और ये भी बहुत अच्छी है, ये आप जीन्स या कुर्ते पर पहन सकते हैं, टॉप पर भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, ये भी मेरा फेवरेट है, ये वन ऑफ माई फेवरेट कलर भी है, तो बहुत अच्छा सा कलेक्शन है। ये हो गया थर्ड, ओके। और अब मैं आती हूँ ये एंटिक ज्वेलरी पे, जो कि काफ़ी हैवी है, काफ़ी हैवी है, और मीना वर्क है ना, नहीं सॉरी कुंदन, नॉट मीना वर्क, दिस इज़ द कुंदन वर्क। ये देखिए पूरा जड़ाऊ है, इसके अंदर हैं, उभरे नहीं हैं, ये एकदम जड़ाऊ है, और इसके पल का भी जो कलर है अभी तक के नहीं गया है। तो ये भी मेरी बहुत अच्छी ज्वेलरी है, साड़ी वगैरह पर बहुत अच्छी लगेगी, लहंगा वगैरह पर बहुत अच्छी लगेगी। तो ये कलेक्शन है मेरे पास एक। और अब ये देखिए, ये भी है, ये देखिए इस तरह का है, तो इसमें ये जो है स्टोन लगा है, और इसकी देखिए गोल्ड प्लेटेड अभी भी नहीं गया है, ये बहुत अच्छा सा है, ये भी है स्टोन है, और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये पहनना, और लाइट वेट भी है, लाइट वेट भी है। अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, ये देखिए ये भी इयर रिंग्स कम झुमकी है, कितना प्यारा है, और इस पर छोटी छोटी सी, ये देखिए ये आपको दिख रहा है या ब्लर हो रहा है, ये देखिए छोटी छोटी सी पर्ल्स वाली झुमकियाँ हैं, ये देखिए अब आपको दिखाई दिया, ये छोटी छोटी सी झुमकियाँ हैं पर्ल्स वाली, और ये देखिए इसका भी स्टोन कितना जगमगा रहा है, ग्रीन और गोल्डन कलेक्शन में है, तो ये भी बहुत ही प्यारा है मेरा इयर रिंग्स। ये हो गए, अगर आप लोगों को पसंद आए, और आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो मेरी और ज्वेलरी हॉल में, पार्ट टू पार्ट थ्री करके मैं लाती रहूँगी इंशाल्लाह ताला, तो और सब अफोर्डेबल प्राइस में हैं, सब रीज़नेबल प्राइस में हैं, जो हम ख़रीद सकते हैं, ये नहीं कि काफ़ी कॉस्टली हैं। और हाँ, ये जो कुंदन वगैरह के हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं, तो मेरे पास हर तरह के प्राइस अवेलेबल हैं, ये कॉस्टली वाले भी, ये सब कॉस्टली वाले भी, और ये जो है रीज़नेबल, ये सब जो हैं, ये वाले सब रीज़नेबल प्राइस में भी हैं, हर तरह के हैं। ये डेली वेयर के भी हम पहन सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, ये चिकन के कुर्ते के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए मल्टी कलर के स्टोन हैं विद, ये देखिए, और पर्ल के साथ बहुत ही प्यारा है ये। अब ये बारी आती है हमारे नेकलेस की, तो ये है आउटफिट के साथ हम वेयर करते हैं, अगर कभी कुर्ती वगैरह पहनी, इंडो वेस्टर्न कुर्ती, तो इस तरह पे भी मैं वेयर कर लेती हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है ये मेरा नेकलेस, मुझे बहुत पसंद है ये नेकलेस। और उसके साथ ये मैं स्टोन के ज़रूर लगाती हूँ कि इसके साथ ये पूरा मैच हो जाता है, और फिर ये मल्टी कलर है ना, तो इसके साथ भी ये चला जाता है, बट इसके साथ बेस्ट रहता है। और एक ये रह गया है, ये देखिए यहाँ पर जो है, ये देखिए स्टोन, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये इस तरह के धागे वो मोती में है, स्टोन भी प्लस है, यहाँ पर ये मोती भी है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी दिल चाहता है मैं घर पर भी इसे पहन सकती हूँ, मैं घर पर पहन सकती हूँ, और कभी आप चाहें तो बाहर भी पहन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये हो गया, अब दूसरा कलेक्शन यहाँ पर मैं ये दिखाती हूँ, ये देखिए कि जैसा कि मैंने बताया ना, मेरे पास हर प्राइस के जो हैं रिंग्स, मुझे बहुत ज्वेलरी कलेक्ट करना अच्छी लगती है, पहन तो इतना नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको अपने आगे के व्लॉग्स में बताया कि मेरा घर भी यहाँ पर नहीं है, मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स भी नहीं हैं, तो पहन तो बहुत कम ही पाती हूँ, बट ये कि शौक बहुत है। तो ये देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा है, एंटिक पीस है, इसके स्टोन बहुत अच्छे हैं, यूनिक पीस है, तो ये भी मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत ही लाइट वेट सा है, ओ सॉरी, बहुत ही लाइट वेट सा है। तो ये देखिए, ये इस तरह से है, और अब ये आ जाता है दूसरा कलेक्शन, ये देखिए ये इस तरह से मैट पर है, ये देखिए ये लॉन्ग में है, ये इस तरह से मैट पर है, लॉन्ग पर, ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। और ये देखिए आप, ये देख रहे हैं ना कि कितना हैवी सा और बहुत ही प्यारा सा है ये फ्रॉक वगैरह पर। और अब अगर आप चाहें कि अगर आप शादी में जा रहे हैं, मैं एक आइडिया आप लोगों से अपना शेयर करती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था,
शादी में जाना था, मेरे अपनों की शादी थी और मेरे पास जो है मांग टीका, मतलब गोल्ड का तो है बट ऐसा होता नहीं इमिटेशन का हो या फिर उस सूट की मैचिंग का हो, तो मैंने लगाया था सिल्वर कलर का, वो मैं आगे दिखाऊंगी मैंने जो मांग टीका अपने सर पे लगाया था जो मैंने, तो ये है, आप इस तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हैं मांग टीका के तौर पर। और अब ये आ जाता है, ये देखिए इसका स्टोन वर्क, ये भी कुंदन का है मेरा, ये देखिए ये भी मेरा कुंदन का है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा है ये, और मैंने अभी इसको आगे ही पहना है, तो में बहुत अच्छा ही कलेक्शन है मेरा ये वाला। और ये हैं सिंपल स्टोन की बालियाँ, सिंपल भी हैं और हैवी भी लुक देती हैं, सिंपल सोबर में हैवी लुक, तो ये भी बहुत अच्छी हैं मेरी बालियाँ, ये मेरे पास है। और अब ये आ जाता है इंडो वेस्टर्न लुक वाला, टैसल वाला, ये ऊपर पर्ल्स हैं और फिर स्टोन भी हैं अटैच और फिर ये टैसल भी हैं, तो ये मेरा बहुत प्यारा सा कलेक्शन एक है रिंग इयररिंग्स का, ये पर्ल के साथ स्टोन भी है और विद टैसल भी है, तो ये बहुत अच्छा लगता है कुर्तीज़ वगैरह पे, तो ये भी मेरे पास है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पर जो मैंने अरेंज करके रखी है, तो जो मैंने आपसे मांग टीके की बात करी थी तो वो ये था, मैं ये लगा करके गई थी और सबने मुझसे पूछा था कि आपने ये कहाँ से लिया है, आपने ये कहाँ से लिया है, ये मैंने सिल्वर मेरा सूट था ब्लैक में सिल्वर वर्क था और मैंने फिर उसके ऊपर ये मांग टीका एज अ वेयर किया था चिमटियों की हेल्प से, तो ये बहुत ही सिंपल सोबर सा, ये पल आगे गिरे थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। और ये है मेरी एक ज्वेलरी, ये कितनी प्यारी सी लग रही है आपको, ये देखिए इसके डायमंड कितने जो हैं झलमला रहे हैं। और अब आ जाता है ये खूबसूरत सा एक पेयर, ये देखिए ये खूबसूरत सा एक पेयर आ जाता है माशाल्लाह से, ये भी बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है ये लुक इसका, देखा आप लोगों ने बहुत ही प्यारा सा है ये। और अब आ जाता है एक ये ऑरेंज कलर का विद पर्ल वर्क एंड, हाँ सिर्फ पर्ल वर्क है और ऑरेंज ऑरेंज स्टोन है, जो कि मेरे एक दो गायब भी हो चुके हैं क्योंकि उसको यूज़ मैंने किया काफ़ी टाइम, ये देखिए है ना प्यारी सी ज्वेलरी। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी ज्वेलरी हॉल देखने में अगेन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आरएफ बरकत वर्ल्ड के नाम से। तो ये देखिए ये है स्टोन का इसमें वर्क है, पर्ल भी हैं और ये काफ़ी हैवी सा है, इसका बहुत ही डिसेंट लुक आता है और बहुत ही हैवी सा, इसका भी आप टीका लगा सकते हो। तो ये एक हो गया हमारे पास, अब ये जो आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो ये देखिए इसमें आप देख रहे हैं ये ग्रीन और मरून कलर के और ये गोल्डन वर्क से स्टोन बना हुआ है, कितना प्यारा, कितना प्यारा सा लग रहा है ये, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मेरा फेवरेट है, ये कान के ऊपर से पहना जाता है, ये पूरा कान में ऐसे इस तरह से कान का, देखिए इसका शेप भी बना हुआ है और मुश्किल से मैंने इसे एक ही बार वेयर किया होगा तब से ये ऐसे ही है। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो मेरा ये ज्वेलरी हॉल, अगर आप लोगों को बिल अच्छा लगा हो ज़रा सा भी, तो प्लीज़, ओ सॉरी 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 मैं तो ये वाला बताना ही भूल गई, तो ये देखिए एक ये वाला है, ये देखिए इसका कितना अच्छा डिज़ाइन है ये साइड में ये वाला, और ये देखिए इस तरह से इसका कितना प्यारा ये डिज़ाइन है ये देखिए। तो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगा हो डियर, ज़रा सा भी अगर अच्छा लगा हो माय लवली एंड माय स्वीट व्यूवर्स, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, प्लीज़ मेरी इस मेहनत को अंजाम दे, मैं बहुत मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ और हर कोई बहुत मेहनत से अपने सारे काम करता है, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरा दूसरा चैनल भी है चीकू हक के नाम से, आप उसे भी विज़िट करना ना भूले, उसे भी देखिए, उसमें बहुत अच्छी अच्छी और सिंपल और इजी वे से बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आती हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और आगे मुझे कमेंट्स करें कि आपको मेरी ज्वेलरी देखने में इंटरेस्टेड हैं आप लोग, तो मैं इंशाल्लाह ताला आगे और अपनी ज्वेलरी हॉल ब्लॉग बनाऊँगी। ओके, तो इंशाल्लाह अपना
ख्याल रखिए आप लोग सब कोई, और दुआओं में सबको इंशाल्लाह ताला मैं याद रखूँगी, आप सभी मुझे याद रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग सी।